अब एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जंगल में मवेशी चराने गए एक लड़के ने मोबाइल पर लगे गाने की मदद से बाघ को भगा देने का एक बेहद ही आश्चर्यजनक मामला सामने आया है। ये मामला है चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका के आवड़ गांव का। पहली नजर में शायद ही ये मामला किसी को सच लगे, लेकिन हकीकत में ठीक ऐसा ही हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका के आवड़ गांव का रहने वाला गुणवंत लोदे नाम का ये लड़का 9वीं कक्षा में पढ़ता है। अब जब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई है तो वो अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले गया। वह बकरियों को चराने के लिए छोड़कर झील के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। जैसे ही वो बोर हो रहा था, उसने गाना सुनने के लिए अपना मोबाइल निकाल लिया। गाने को सिलेक्ट करने के बाद उसने ऊपर देखा तो उसके सामने एक बड़ा सा बाघ नजर आया। ऐसे बाघ किसी को भी दिखाई दे तो उसके नीचे की जमीन खिसक जाती है, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो बाघ को देखकर खड़ा हो गया। बाघ और लड़का दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उसी समय मोबाइल पर चयनित गाना बजने लगा। ये गीत सुनकर बाघ दंग रह गया। कुछ देर तक दंग रह गया बाघ, फिर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। हालांकि लड़का यही नहीं रुका, बल्कि उसने बाघ का पीछा किया और अपना मोबाइल फोन बाघ की दिशा में फेंक दिया। जंगल में बाघ के गायब होने के बाद लड़के ने घर पर यह संपूर्ण माजरा सुनाया, तब सारे ही आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन लड़का उस भयावह स्थिति से बच गया। उसकी संतुष्टि परिजनों के चेहरों पर साफ झलक रही थी। गुणवंत ची आई, गुणवंत शेड़ा राखत होता। शेड़ा राखत असल्यामुळे तो अचानक वाघ जवळ आला। आल्यानंतर त्याला काही सूचना, तो मोबाइल फेकून मारला। मारल्यानंतर आम्ही दोघेही धावत गेलो। गेल्यानंतर बोंबलून उठल्याबरोबर तो वाघ पळाला। माझे नाव गुणवंत रेशनाथ लोढे, मी महाराष्ट्र विद्यालय आवळगाव येथे शिकतो, वर्ग 9वीमध्ये आहे। मी शेड्या चारत असताना लव यू दीपिका बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।